नमस्कार, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आज ही मॉर्निंग में एक छोटा सा वीडियो डाला था, जिसके माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि MPPSC 2021 का विज्ञापन जो है आ चुका है, और उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है वो शीघ्र ही विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे कि उसमें किस एग्ज़ाम डेट कब है उसकी, आपके फार्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या क्या अर्हताएँ हैं, कौन कौन से पदों के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है, और परीक्षा के कितने चरण हैं आपके, तो इन सब के बारे में मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो आप फार्म भरने से पहले इस जानकारी को ध्यान से सुन लें, ये काफ़ी आपके लिए जो है यूजफुल जानकारी है। तो चलिए हम चलते हैं। तो विज्ञापन क्रमांक 10/2021 जो दिनांक 22/12/2021 को ये जारी किया गया है, और इसके माध्यम से MPPSC 2021 का एड जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम इसमें चलते हैं। एक चीज़ हम ये बता दें कि इसमें प्रशासनिक पद भी हैं, साथ साथ इसमें जो है वो मध्य प्रदेश वन सेवा के दो पद, जो कि आपके ACF है और आपका रेंजर है, तो इन पदों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। परीक्षा जो है वो एक ही होगी, ये संयुक्त परीक्षा है, इसमें से आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप वन सेवा में जो अर्हताएँ दी गई हैं उसको अर्हताओं को आप पूरा करते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं। चलिए हम आगे चल रहे हैं कि इसमें एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट ये दिख रही है हमको कि आपके पास जो है रोजगार कार्यालय का जो है वो जीवित पंजीयन अनिवार्य है। तो फार्म भरने से पहले आप लोग रोजगार कार्यालय में यदि आपका पंजीयन है तो ठीक है, नहीं तो आपको रोजगार कार्यालय में अपना जो है पंजीयन करवा लें। और ऐसा कि एक जानकारी ये भी है इसमें कि जैसा कि हम सबको मालूम है कि PSC के एग्ज़ाम जो है वो एक न्यायालय में इसमें विवाद चल रहा है, न्यायालय में निर्णय है, तो उसके अधीन ये होगा। तो लिखा हुआ है इसमें कि उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम जो है वो याचिका क्रमांक 25/181/2019 से संबंधित जो प्रकरण चल रहा है आपके न्यायालय में, उसके जो उसका निर्णय आएगा उसके अधीन होगा। चलिए हम और चलते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं इसमें। काफ़ी आकर्षक पद होते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए जो है वो एक PSC ही एक अच्छा माध्यम होता है। तो हम देखते हैं इसमें पद कौन कौन से हैं। तो इसमें पद आपका जो सबसे बड़ा पद है इसमें वो आपका जो है डिप्टी कलेक्टर है, उसके बाद जो आपका IAS का पद होता है कलेक्टर होता है वो डिप्टी कलेक्टर है, इसी तरह से आपका IPS का पद आपका SP होता है, उससे निम्न क्रम का पद जो है वो DYSP, तो DYSP है। इसी तरह से आपके वाणिज्य कर्मकारी पद है इसमें जिला पंजीयक है, सहायक संचालक सहकारिता विभाग है आपका, आयुक्त सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, ये पद भी है। लेबर ऑफिसर के भी पद हैं इसमें, आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी कई पद है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिसको हम बोलते हैं जनपद पंचायत का CO, तो जनपद पंचायत का CO का भी पद है इसमें। इसके अलावा जो है विकास खंड अधिकारी जैसे भी पद इसमें जो है वो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ पद और हैं जैसे कि बड़े चर्चित पद हैं, जैसे कि आपका नायब तहसीलदार, सहायक श्रम अधिकारी, आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणीगा, आपका उप पंजीयक वगैरह वगैरह। तो अब हम बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या जो है वो कुल टोटल आपकी जो है वो 283 पद हैं, जिसमें ST/SC/OBC को जो है वो आरक्षण 1994 का जो अधिनियम है उसके अधीन आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार EWS इकोनॉमिक वीकली सेक्शन, इसे हम कह सकते हैं कि संपन्न वर्ग में जनरल जातियों में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी जो है इसमें आरक्षण का प्रावधान है, 10% उनके लिए जो आरक्षण दिया गया है, तो उसका भी जो हमारे ऐसे भाई हैं जिनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है तो उसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उसके कुछ शर्तें हैं, तो वो हमने वीडियो में बताई है, अब और वीडियो हमारे देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि इसमें एक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपना आवेदन करने के पहले
ये सुनिश्चित कर लें कि आप जो है वो आवेदन करने के की पात्रता रखते हैं या नहीं है। चलिए ठीक है। और जो आपका आरक्षण की बात की हमने, ST, SC, OBC या जो शासकीय मध्य प्रशासन के कर्मचारी हैं, अस्थाई हैं या स्थाई हैं, तो ऐसे ही कर्मचारियों को या ऐसे ही वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो आप जो है वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, एक अच्छी पहल है। इससे बहुत सारे ऐसे जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते थे, जबकि वास्तव में उनको आरक्षण की आवश्यकता होती थी, तो शासन ने उनको आरक्षण प्रदान किया है, एक सराहनीय कार्य है। और अब हम चलते हैं तो थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। सिर्फ विज्ञापन तिथि हमने बता दी कि 22 दिसंबर 2021 को ये विज्ञापन आया हुआ है। और फार्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे, तो फार्म आपके जो है वो 10 जनवरी, अभी डेट बाकी है, आज आपका जो है वो 23 दिसंबर है, 10 जनवरी से आपका जो है वो 12 बजे से दिन 12 बजे से फार्म भरने जो है प्रारंभ हो जाएंगे। और कब तक, तो लगभग एक महीने तक, अर्थात 9 फरवरी 2022 तक, 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक इसके फार्म डाले जाएंगे। और एग्ज़ाम की तिथि, तो एग्ज़ाम की तिथि इसमें स्पष्ट रूप से दे दी गई है, वो है आपकी 24 अप्रैल 2022। क्या है, 24 अप्रैल 2022। तो हमको लगभग इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और 24 अप्रैल, तो लगभग हमको इसमें 4 माह का समय मिल रहा है, तो ये समय कम नहीं है। यदि हम आज से ही निश्चय कर लें तो हम इसकी तैयारी करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम और चीज़ देखते हैं। पदों की संख्या के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि जो पद हैं वो परिवर्तनीय हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें और पद भी जो है वो समय समय जो खाली होते हैं उनको जोड़ा सकता है, या कुछ पदों को इसमें कम भी किया जा सकता है। चलिए हम और आगे चलते हैं, क्योंकि हमको वही मुख्य जानकारी देना है। तो परीक्षा की योजना, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ये लिखा हुआ है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 या 2 से अधिक संतानें हैं और उनमें से किसी एक संतान का जन्म जो है वो 26 जनवरी 2021 को या उसके बाद हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है MPPSC का फार्म नहीं डाल सकेंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा योजना की। तो हमको सबको मालूम है तीन स्तरीय परीक्षा योजना है। प्रथम चरण आपका जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का OMR Sheet में होता है, ये हमें ऑफलाइन होता है, ये इसमें ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम नहीं है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। और एक प्रकार से छठनी एग्ज़ाम है ये। इस एग्ज़ाम के नंबर बाद में कोई उपयोग नहीं किए जाते हैं, सिर्फ नंबर का क्या महत्व है कि आप जो है मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे हम एक खबरी और बता दें आपको कि पहले क्या होता था कि पदों के 15 गुना ही छात्र जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए जाते थे, मैंने प्री उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा देने के पात्र होते थे। लेकिन अभी ही आपके मध्य प्रदेश गजट में जो है वो विशेष रूप से यह अधिसूचना जारी की गई है कि अब पद के 20 गुना अभ्यर्थी जो है प्री पास करेंगे और मेंस की एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो एक अच्छी खबरी है, अच्छी खबर है ये, सिलेक्ट होने के चांस जो है वो अवसर इसमें बढ़ जाते हैं। चलिए हम और चलते हैं। तो दूसरा स्तर है आपका मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा की जानकारी आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या संस्थान में हमारे आ सकते हैं तो वहाँ पर भी हम अवेलेबल हैं। तीसरा चरण जो है अगर मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि पद के 3 गुना छात्र को जो है वो इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं साक्षात्कार, देने का अवसर दिया जाता है। तो साक्षात्कार 3 गुना अभ्यर्थी जो है पद के साक्षात्कार देते हैं, उनमें से जो है वो एक पद के जितना पद है उतने ही अभ्यर्थियों को जो है वो अंतिम रूप से चयन कर लिया जाता है। चलिए हम और चलते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि पहले क्या होता था कि सेंटर की संख्या कम होती थी, कई लोगों को सेंटर जो है बहुत दूर दूर होते थे, तो उनको परीक्षा के अंतिम समय में परेशानी होती थी। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि हमको मालूम है 52 जिले हैं, तो हर जिले का मुख्यालय जो है वो MPPSC एग्ज़ाम का सेंटर होगा। अच्छी बात है, रीवा भी हमारा सेंटर है, इसी प्रकार से हमारा 52वां जिला आपका निवाड़ी है, बहुत छोटा जिला है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, तो वहाँ पे भी जो है MPPSC का एग्ज़ाम होगा। तो इससे अंतिम समय में, एग्ज़ाम के अंतिम समय में हमको जो है वो परेशानी नहीं होगी, हम शीघ्र ही सेंटर तक पहुँच सकेंगे। चलिए हम और देखते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्हताएं क्या है, माने कौन से अभ्यर्थी जो है एमपीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। तो फर्स्ट अर्हता तो ये है आपका कि स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो या बीसीए हो, जिसको स्नातक की डिग्री का दर्जा दिया गया है तो स्नातक होना चाहिए। और एक खुशखबरी वाली बात ये भी है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, रनिंग चल रहा है उनका, तो वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अंतिम स्तर पर उनका रिजल्ट जो है वो मुख्य परीक्षा का जो आवेदन किया जाएगा उसकी अंतिम तिथि तक जो है वो उनको आवश्यक अर्हता जो है वो यानी स्नातक उन्होंने जो उत्तीर्ण कर लिया हो। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। तो कुछ पद हैं जिनके लिए कुछ सब्जेक्ट विशेष डिसाइड हैं, जैसे कि जिला क्षेत्र संयोजक, ये आपके जनजाति कार्य विभाग में एक महत्वपूर्ण पद है। तो इसमें उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनका जो है स्नातक स्तर पर उन्होंने एक सब्जेक्ट जो है वो समाजशास्त्र के रूप में लिया हुआ है। और हम और आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं आयु की, महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें पदों को हम दो तरह से बांटते हैं, एक तो आपका जो है वर्दीधारी पद है और दूसरा आपका जो है वो गैर वर्दीधारी पद है। जैसे कि डीएसपी वर्दीधारी पद है, लेबर इंस्पेक्टर वर्दीधारी पद है, आबकारी आरक्षक वगैरह है, वो आप सॉरी आरक्षक नहीं, आबकारी इंस्पेक्टर, आबकारी अधिकारी, ये सब वर्दीधारी पद हैं। और जैसे कि आपका फॉरेस्ट वाले पद हैं, जैसे रेंजर है आपका, एसीएफ है, ये सब वर्दीधारी पद हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए अलग अलग जो है वो अधिकतम आयु जो है वो रखी गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैर वर्दीधारी पदों के लिए। गैर वर्दीधारी पदों के लिए तो इसकी न्यूनतम आयु जो है आपकी 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष है। ये सब के लिए है, जनरल के लिए है ये। इसके अलावा एसटी एससी ओबीसी और महिलाओं को, चाहे वो किसी वर्ग की हो, जनरल की हो या किसी अन्य वर्ग की हो, तो उनके लिए आयु जो है वो 45 वर्ष है। तो ये लाभ दिया गया 5 वर्ष की उनको आयु की जो है वो छूट दी गई है। इसी प्रकार से जो वर्दीधारी पद हैं उसके लिए जो है वो न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष ही है, लेकिन अधिकतम आयु जो है वो 33 वर्ष है। लेकिन इसमें भी आपके एसटी एससी ओबीसी और महिला, चाहे वो अनारक्षित हो, उसको भी जो है वो 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार से अधिकतम आयु जो है वर्दीधारी पदों के लिए भी जो है वो 38 साल है। चलिए हम चलते हैं। कुछ पदों के लिए सहायक मापदंड हैं तो उनको आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की वेबसाइट में ये ऐड पड़ा हुआ है, उसको आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम एक बात और बता दें, महिलाओं के लिए अच्छे अवसर हैं कि अगर जनरल वर्ग की महिला है, किसी वर्ग की महिला है, तो वो 45 वर्ष तक जो है वो एग्ज़ाम दे सकती है। अगर 40 की है, 42 की है, 45 की है, तो एग्ज़ाम दे सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी आय की गणना कब से की जाएगी। तो इसकी आय की गणना आपके 1 जनवरी 2022 से जो है इस आयु की गणना की जाएगी। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो जैसा कि एक तो बताया हमने कि कोविड चल रहा है, अभी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन वैकेंसी आ रही हैं, काफ़ी मात्रा में आ रही हैं। अभी सिविल जज की भी वैकेंसी आई हुई है, एडीपीओ के लिए भी पुनः फार्म जो है वो मंगाए गए हैं एमपीपीएससी द्वारा। तो यहाँ पे ये जरूर हमको ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हम जो है जो कोविड के दिशा निर्देश हैं उनका भली भांति जो है वो पालन करें। और एक तो हमने खुशखबरी बताई दी आपकी कि मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत ही क्रांतिकारी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें अब पद के 20 गुना लड़के जो है वो प्री क्वालिफाई करके मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो इस प्रकार से 5 गुना लड़के जो है वो ज़्यादा जाएंगे, तो हमारा प्री में निकलने के चांस जो है वो अधिक होंगे। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने आरक्षण की बात कर ली, यहाँ पे कब से लागू होगा ये, आयु की गणना कब से होगी ये भी बात कर ली हमने। हाँ, हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक। तो ऐसे सैनिक जो भूतपूर्व हैं और सेवा से वो पृथक हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे सैनिक जो है एग्ज़ाम दे सकेंगे, उनको समुचित आरक्षण की व्यवस्था भी है और उनको जो है वो आयु सीमा में जो है वो छूट दी गई है। तो आयु सीमा में छूट का आधार ये है कि जितने वर्ष तक उन्होंने प्रतिरक्षा या सेना में जो है वो सर्विस दी है उस अवधि को छूट दी गई है। लेकिन एक कंडीशन ये भी रखी गई है कि अधिकतम आयु जो है वो 48 वर्ष से अधिक ना हो। तो इस तरह से देखें तो 48 वर्ष तक के आपके जो हैं भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी एमपीपीएससी देकर के अधिकारी बन सकते हैं।
चलिए और चलते हैं तो कुछ छूटें आपकी प्रोत्साहन स्वरूप छूटें दी गई हैं। तो जैसे एक छूट तो आपकी ये दी गई है अंतर जाति विवाह, जैसे अगर कोई स्वर्ण महिला या पुरुष किसी अन्य वर्ग से जैसे ST SC OBC से अगर विवाह करता है तो उसको हम बोलते हैं अंतर जाति विवाह। तो अगर किसी ने अंतर जाति विवाह किया है तो उसका जो स्वर्ण पार्टनर है चाहे वो पति हो या पत्नी हो तो उसको भी जो है वो 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। अच्छी बात है ये, इससे एक प्रकार से जाति के बंधनों को तोड़ा गया है, अंतर जाति विवाह को जो है प्रोत्साहित करने वाली बात की गई है। फिर दूसरा हम बात करते हैं खिलाड़ियों को, ऐसे खिलाड़ी जिनको जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है यदि वो विक्रम पुरस्कार उनको दिया गया है तो उन्हें भी 5 वर्ष की जो है छूट दी गई है। हाँ, यहाँ पे एक बात ये कही गई है कि कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसको 2 से अधिक छूटें मिल रही हैं, 2 से अधिक छूटों में वो आपका आ रहा है वो, तो वो कोई एक छूट कोई जो है उसका लाभ ले सकता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि पहले जो है वो ग्रीन कार्ड पे जो है वो 2 वर्ष की छूट दी जा रही थी, लेकिन इसमें जो हम ऐड देख रहे हैं इसमें कहीं पे भी प्रोत्साहन स्वरूप जो है ग्रीन कार्ड की छूट नहीं दी जा रही है। तो मैं शासन से अपील करता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उसकी जो नीति है जनसंख्या नीति है तो उसमें निसंदेह रूप से अगर आयु में जो है वो ग्रीन कार्ड धारकों को छूट दी जाए तो लोग बाग जो है वो परिवार नियोजन को अपनाने के लिए जो है वो प्रेरित होंगे। तो मेरी अपील है इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए हम और आगे चलते हैं, तो अब कोई किसी खास न्यूज़ नहीं दिख रही है हमको, चलिए हम देखते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखा हमने, ठीक है चलिए हम और चलते हैं। बाकी तो आप कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ जो है टेक्निकल कैसे फार्म डालना है वो सब आपको जो है वो काफ़ी इसमें हेल्प कर देते हैं। चलिए और देखते हैं हम। हाँ, अब हम बात करते हैं शुल्क की। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के या आपके विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए फीस जो है वो 250 रुपये रखी गई है। इसी प्रकार से इनसे अन्य भिन्न जो आज तक लाभ नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए फीस जो है वो 500 रुपये रखी गई है। हाँ, इसमें मैं क्यों बता दूँ कि पोर्टल शुल्क जो है वो इसमें अतिरिक्त होगी, ये करीब 40 रुपये है आपकी, है ना। यदि कोई इससे ज़्यादा लेता है तो आप उसकी जो है वो उसमें नंबर भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आप उससे शिकायत कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, और हमको कोई खास चीज़ दिख नहीं रही इसमें अभी जो आपको बताने लायक हो जो फार्म भरने में आपको सहायक हो। चलिए चलते हैं, चलिए कुछ ऐसा नहीं दिख रहा हमको। हाँ, अब हम थोड़ा सा एक चीज़ चर्चा करने जा रहे हैं कि ये क्योंकि ये प्री का ऐड है ये और PSC निकालने की प्रथम सीढ़ी जो है वो प्री ही है तो हमें पूरी तरह से प्री में फोकस करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जैसे हमने वादा किया था कि सिलेबस क्या है तो हमने ये सिलेबस ले रखा है, ये सिलेबस हमने जो है वो ले रखा है इसमें। तो जो प्रथम चरण है आपका प्रीलिमरी प्रारंभिक परीक्षा, ये आपके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें और इसमें 2 प्रश्नपत्र होंगे आपके। प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है वो GS जनरल स्टडीज समान अध्ययन का होगा, इसकी अवधि 2 घंटे होगी और इसमें आपके जो है वो 100 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न आपका जो है 2 अंक का होगा। इसी प्रकार से जो सेकंड पेपर है समान अभिरुचि परीक्षण तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे इसकी अवधि होगी और ये भी आपके 200 अंकों का होगा। यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो सेकंड पेपर है तो जो केवल राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं राज्य प्रशासनिक सेवा देना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाई है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि अगर वो जनरल का कैंडिडेट है तो उसको 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन उसे सही करने होंगे, मान 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इस तरह से ST SC OBC को जो है वो आपका 200 क्वेश्चन लाना जो है वो अनिवार्य होगा। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस की, इस सिलेबस का क्या क्या है। तो सिलेबस हम देखते हैं इसका, तो सिलेबस में आपका जो फर्स्ट पेपर है, हाँ इसी और बता दें हमें जो कि वन सेवा राज वन सेवा कि मैं चयनित होना चाहते हैं रेंजर ACF के लिए तो उनके लिए जो सेकंड पेपर है समान अभिरुचि का तो उनके लिए क्वालिफाई नहीं है बल्कि उसके अंक भी जो है वो आगे के सिलेक्शन में जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम सिलेबस देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य ये प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, फिर आपका है भारत का इतिहास, GK का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, हम लोग पढ़ते हैं लगभग, मैं भी पढ़ाता हूँ हम लोगों से लगभग ये आता भी है। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है आपका,
फिर आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें खंड है, मोटे मोटे खंड हैं। फिर देखते हैं हम कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इसको हम पॉलिटी बोल सकते हैं, तो राज्य व्यवस्था ये है। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था, इसको अपन बोल सकते हैं इकोनॉमी, तो अपन को मध्य प्रदेश के स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था देखना है। फिर आपका भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, तो इससे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। और फिर आपका जो अंतिम महत्वपूर्ण है क्या, विज्ञान एवं पर्यावरण, तो इससे भी आपके संबंधित जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। फिर आपका करंट अफेयर्स, तो इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान में हुई हैं, तो उनसे भी जो है वो इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे। और टेक्निकल युग चल रहा है वर्तमान में, तो इस प्रकार से एक टॉपिक इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, जिसमें हम बहुत सारे तकनीकी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, बहुत सारे के बारे में हम जानते भी हैं, और थोड़ा सा मेहनत करें तो इसके बारे में हम जान भी सकते हैं। और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएँ, इसमें कुछ संवैधानिक संस्थाएँ हैं, यद्यपि हम जब जीएस की तैयारी करते हैं तो ये सभी संस्थाएं जो हैं उसमें आ जाती हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में ये अलग से दिखाई गई हैं, तो इसको भी हम विशेष रूप से इनके बारे में देख लें, क्योंकि ये अगर विशेष रूप से दिखाई गई हैं तो निसंदेह रूप से इसमें जो है वो आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आपके बनेंगे। अब हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं, तो जैसे हमने बताया कि जो प्रशासनिक सेवा के लिए हैं तो उनके लिए सेकेंड पेपर से क्वालिफाई है। जनरल के लिए हमने बताया था कि 40 पर कुछ क्वेश्चन उनके सही होने आवश्यक हैं, इस तरह से एसटी एससी ओबीसी के लिए 30 क्वेश्चन सही होना। लेकिन जो वन सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट जो है वन सेवा में जाने का है, रेंजर बनने का है या आपका एसीएफ बनने का है, तो उनके लिए ये स्कोर इनका मतलब रखेगा, उनका स्कोर सिलेक्शन में जो है इनका योगदान देगा, तो ये भी मेरिट बनेगी इससे। तो इसमें है क्या क्या, तो पहला है आपका बोधगम्यता, तो बोधगम्यता आपका जो है वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे कि आप गद्यांश देखते हैं तो इसमें गद्यांश रहता है, उसी गद्यांश के बेस पर जो है क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। फिर दूसरी बात हम कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक इसमें है संचार का, कम्युनिकेशन, तो संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जैसे टीवी है, रेडियो है, आपका जो बात करते हैं दूसरे से, अखबार है, ये सभी आपके जो है संचार के माध्यम है, तो इनके बारे में जानकारी लेना है। फिर आपका तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, तो इसमें थोड़ा सा आपकी रीजनिंग और उस मात्रा में जो है वो मैथ के क्वेश्चन भी रहेंगे, तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके इसमें जो है वो आएंगे, कुछ मात्रा में आएंगे, बहुत कठिन नहीं आते हैं, बहुत सरल आते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम चलते हैं, अगर समान मानसिक योग्यता, तो समान मानसिक योग्यता वही रीजनिंग को बोलते हैं अपन, तो रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यदि हम 25 से 30 टॉपिक रीजनिंग के तैयार कर लें तो ये क्वेश्चन हमसे जो है बन सकते हैं। और गणित आता है आपका, चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह, इसका जो है वो आंकड़ों का पर्याप्तता वगैरह, ये सब चीज़ हमको जो है वो देखनी होगी, बहुत 10वीं लेवल के आते हैं, जो हम 10वीं लेवल में पढ़े हुए हैं। और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं अक्षर स्तर का आता है। इसी प्रकार से कि इसमें निर्णयन है, निर्णयन करके डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, तो इसमें कोई समस्या रहती है उसको आपको जो है वो एक आदर्श आंसर जो है वो देना होता है। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, लगभग मैंने पूरी जानकारी दी है, और इसके लिए मैं जो है वो रीवा में बैच भी संचालित करने जा रहा हूँ, शीघ्र इसकी बैच की जो है वो घोषणा करूँगा, तो जो भी लोग बैच में आना चाहते हैं तो बैच में आ सकते हैं, या निःशुल्क रूप से हम हमारे पास आ करके इस संबंध में जो है गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, और थोड़ा सा एक बात, ठंडी बहुत पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का जो है वो आप ध्यान रखिए, पर्याप्त कपड़े पहनिए, और थोड़ा सा मौसम से जो है वो चैलेंज मत करिए, उनसे हाथापाई घूसाफांसी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको जो है वो स्वीकार करिए। तो मैं आरके सक्सेना पुनः आपसे जो है वो विदाई लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इस तरह के अपडेट पाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी वैकेंसी, जैसे अभी सिविल जज की वैकेंसी आई हुई थी आपकी, और अभी समदा वर्ग 3 में भी पुनः फार्म भरने की सुविधा दी गई थी, ADPO में भी पुनः फार्म डालने की गई थी, तो ये सब हमने जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी है। तो आप अगर अलर्ट रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आरके सक्सेना आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।